औरैया में महिला सिपाही की गोली मारकर हत्या। औरैया जिले से बेला थाना क्षेत्र के पिपरौल इसी गांव में जमीनी विवाद के कारण एक महिला सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसके बेटे की भी गोली मार कर हत्या की गई, जिसे गंभीर हालत में सेफई रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि महिला सिपाही का देवर ही है, जिसने पारिवारिक जमीनी विवाद के कारण अपनी भाभी सुनीता शुक्ला, जो कि कानपुर के कलेक्टरगंज थाने में बतौर पुलिस कांस्टेबल तैनात थी, और जमीनी विवाद के मामले में बेला थाना के पिपरौली गांव आई हुई थी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पिपरौली गांव में कांस्टेबल सुनीता शुक्ला की ससुराल थी और जमीनी विवाद का मामला सुनीता के देवर अवधेश से चल रहा था, जिसे लेकर कोर्ट ने भी निर्णय सुनीता के फेवर में दिया था। कोर्ट के निर्णय के बाद जमीनी विवाद निपटाने के लिए सुनीता अपने ससुराल पिपरौली शिव अपने बेटे के साथ गई, जहां सुनीता के देवर अवधेश ने विवाद को लेकर पहले तो कहा सुनी की, उसके बाद भाभी सुनीता और भतीजे को गोली मार दी, जिसमें सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भतीजा विक्की गंभीर हालत में सैफई रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद आरोपी देवर अवधेश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या हुआ माँ? वो अपनी खेती जुताने गई थी। कौन? सुनीता शुक्ला। क्या है सुनीता शुक्ला? कानिस्टेबल। अच्छा, कहाँ है तैनात? जी कलेक्टरगंज कानपुर में। हाँ। अच्छा, क्या हुआ था? ये अपनी खेती जुताने गई, सो इनके अवधेश के लड़का ने और अवधेश ने माताई बेटा दोनों के गोली मार गई। सुनीता की मौत हो गई? सुनीता की मौत हो गई और लड़का बहुत गंभीर है। क्या नाम है लड़के का? लड़का को अग्निवेश शुक्ला।